इस किताब के इंट्रोडक्शन में मैं कुछ और बात कहूं, उससे पहले मुझे डॉक्टर एड कोकेन की एक बात याद आती है। लिखते हैं कि रिच डैड पुअर डैड अमीरी का शॉर्टकट नहीं बताती, ये सिखाती है कि आप पैसे की समझ कैसे विकसित करें, किस तरह से अपने पैसे की जिम्मेदारी निभाएं और उसके बाद किस तरह से अमीर बने। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, जब भी बात जिम्मेदारी की आती है तो नाम याद आता है उस शख्स का जिसने जिंदगी में कितनी भी ठोकरें खाई हों, कितना भी दुखी रहा हो, पर हमारे हिस्से के गम लिए और अपने हिस्से की खुशी हमें दे दी। पिता, जेब खाली हो फिर भी मैंने उन्हें मना करते नहीं देखा, जेब खाली हो फिर भी मैंने उन्हें मना करते नहीं देखा। अरे, मैंने अपने पिता से ज्यादा अमीर इस दुनिया में कोई इंसान नहीं देखा। रॉबर्ट टी कियासाकी ने उसी पिता को ध्यान में रखते हुए उन्हें मेन कैरेक्टर ऑफ द स्टोरी बनाते हुए हमें लाइफ के, आज की जिंदगी के, आज की लाइफ के सबसे इंपॉर्टेंट लेसन को पढ़ाने की कोशिश की है, विच इज पैसा। जी हाँ, हम बचपन से लेकर जवानी तक सिर्फ मार्क्स के पीछे भागते रहते हैं। हमारा जो एजुकेशन का पैटर्न है, पढ़ाई का तरीका है, हम बचपन से सिर्फ यही सुनते आए हैं कि पढ़ो 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 और पढ़ो, और एक लेवल तक पहुंचने के बाद, एक एज तक पहुंचने के बाद डिसाइड करो कि अब क्या करना है। रॉबर्ट टी कियासाकी इसी बात को बहुत ही खूबसूरती से एड्रेस करते हैं कि हमें पैसे को एक सब्जेक्ट की तरह बचपन से ही क्लासेस में पढ़ाना चाहिए। अगर आज पढ़ाई का मतलब, जिंदगी में सफल होने का मतलब ज्यादा पैसे कमाने से है, तो क्यों ना उस पैसे को सही ढंग से मैनेज करने का गुण हमें बचपन से मिले। स्कूल्स 6 घंटे के 8 घंटे के होते हैं, पर बाकी जो वक्त है वो घर पे बीतता है। तो कहीं ना कहीं स्कूल हो या घर हो, बच्चे को बचपन से ही पैसे की अहमियत, उसकी इम्पोर्टेंस, उसकी मैनेजमेंट के बारे में अगर पढ़ाया जाए तो इसमें कोई भी गलत बात नहीं है। मुझे लगता है कि ये बात कहीं ना कहीं मिसिंग थी। शायद कई सालों से ये जद्दोजहद है कि इसे शुरू किया जाए, इसे समझाया जाए, बहुत सारी फिल्में बनी हैं इस पर, लेकिन आज भी हम मार्क्स मार्क्स और मार्क्स के पीछे ही भागते हैं। अगर हमें पैसे को सही ढंग से मैनेज करने की कला आ जाए, अगर हमारी समझ डेवलप हो जाए, तो मुझे लगता है कि जो आजकल के बच्चे हैं वो बड़े जब होंगे तो वो खुश रहेंगे। इंसान को कंप्लीट करने के लिए उसका परिवार, उसके अपने, उसके दोस्त, उसका रहन सहन सब बहुत जरूरी होता है। ये तो नहीं कह सकते कि पैसा ही सब कुछ है, पर हाँ, सब कुछ पाने के लिए पैसा जरूरी है। काश काश कि मैंने ये बुक 20 साल पहले पढ़ी होती। ये लाइन अमेरिका के एक बहुत ही बड़े बिल्डर लैरिसन क्लार्क ने कही थी जब उन्होंने रिच डैड पुअर डैड पढ़ी थी। वक्त ऐसे ही बीत जाता है और हम काश में फंसे रह जाते हैं। ऐसी बहुत सारी चीजें हमें जब पता लगती हैं जिससे हमारी लाइफ बदल सकती थी, हमें कुछ सीखने को मिल सकता था, हमें तरक्की करने को मिल सकता था, पर वक्त बीत चुका होता है और बस रह जाता है तो ये एक काश, काश कि मैंने ये कर लिया होता। इस किताब में कियासाकी ने अपने दो पिताओं का रेफरेंस लिया है, एक जो रिच डैड थे जिनके पास बहुत पैसा था, और एक जो पुअर डैड थे। रॉबर्ट कियासाकी अपने दोनों पिताओं को, दोनों डैड्स को बराबर का सम्मान देते थे, और उनके जो दोनों पिता थे वो भी उन्हें उतना ही प्यार करते थे। बहुत सारे लोगों के सवाल हो सकते हैं कि एक ही वक्त पर एक इंसान के दो पिता कैसे हो सकते हैं, या कोई और क्वेश्चन। मुझे लगता है कि हम अगर इस बात पर ध्यान दें कि रॉबर्ट कियासाकी हमें समझाना क्या चाहते हैं, तो हमारे लिए फायदे की बात होगी। हो सकता है उन्होंने ऐसा मान लिया हो सकता है उन्होंने अपने मन को पुअर डैड और अपने दिमाग को रिच डैड माना हो, या ये हो सकता है कि एक डैड उनके रहे हों और दूसरे डैड उनके किसी दोस्त के, कुछ भी हो सकता है। इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि ये जो डैड का रेफरेंस लिया उन्होंने, ये कहानी है या काल्पनिक है। असल बात यह है कि रॉबर्ट कियासाकी हमें समझाना क्या चाहते हैं, हमें बताना क्या चाहते हैं। चलिए मान लेते हैं कि रॉबर्ट कियासाकी के दो पिता थे और उनमें से एक बहुत अमीर थे, एक बहुत गरीब थे। तो रॉबर्ट कियासाकी कहते हैं कि सोच जो है वो बहुत बड़ा रोल प्ले करती है, और इसी माध्यम से रॉबर्ट कियासाकी कहते हैं कि हालांकि वो दोनों पिता उनके अपने थे, हालांकि वो दोनों पिता उनका उतने ही शिद्दत से, उतने ही मन से ख्याल रखते थे, उतना ही प्यार करते थे, अपनी जान निछावर करते थे और हमेशा उन्हें सिखाने की कोशिश करते थे, जिंदगी में आगे बढ़ाने की कोशिश करते थे, पर ऐसा क्यों था कि उनके एक पिता अमीर थे और एक पिता गरीब। सारा खेल सोच का है, सारा खेल नजरिए का है। नजरिया ही इंसान को तरक्की दिला सकता है और नजरिया ही इंसान के जीवन की नाव डुबा सकता है। तो ये हमारे ऊपर है कि हम किस रंग के चश्मे को पहनकर कैसा मौसम देखते हैं। किसी शायर ने क्या खूब कहा है कि जैसा दर्द हो वैसा मंजर होता है। अरे, मौसम तो इंसान के अंदर होता है, और उसी अंदर के मौसम को हमेशा बनाए रखने, अपने आप को पॉजिटिव रखते हुए, अपना नजरिया सकारात्मक रखते हुए अगर हम आगे सोचें तो कुछ अच्छा तो जरूर होगा। स्कूल जाओ और मेहनत से पढ़ो, ये जो लाइन है
याद करिए, बचपन में हम सब ने सुना है, और एक बार नहीं कई बार सुना है, रिश्तेदारों से, घर वालों से, टीचर से, हर एक से, स्कूल जाओ और मेहनत से पढ़ो। एक वक्त ऐसा लगता था कि बस पढ़ते रहो पढ़ते रहो पढ़ते रहो, पर जैसे जैसे समझ आगे बढ़ी, एक सवाल मन में घर करने लगा, आखिर हम पढ़ किस लिए रहे हैं। देखिए, स्कूल जाना और पढ़ाई करना ये बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन अगर कोई काम किया जा रहा है तो वो किस वजह से किया जा रहा है ये जानना भी उतना ही जरूरी है। अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद हम सबसे पहले जॉब ही ढूंढते हैं ना, ये सोच करके जॉब मिलने पर हमारी सारी प्रॉब्लम्स दूर हो जाएंगी, पैसे मिल जाएंगे, हम घर बना लेंगे, गाड़ी खरीद लेंगे, और जो भी ज़रूरतें हैं पैसे से जुड़ी हुई वो सब पूरी कर लेंगे। पर ऐसा होता नहीं है। बहुत सारे लोग अच्छी जॉब और बहुत ही अच्छी सैलरी होने के बावजूद खुश नहीं होते, वो अपनी ज़रूरतें पूरी नहीं कर पाते, बहुत ही मुश्किल से घर का खर्च चला पाते हैं, पर वो लगे रहते हैं इस उम्मीद में कि शायद अगले साल फिर से इंक्रीमेंट होगा, पैसे बढ़ेंगे, और उन पैसों से हम अपनी जो ज़रूरतें हैं जो पूरी नहीं कर पाए हैं उन्हें पूरी कर लेंगे, और वो और ज़्यादा मेहनत करते हैं प्रमोशन पाने के लिए। पर वक्त के साथ साथ हमारी ज़रूरतें और हमारा लालच बढ़ने लगता है। पहले तो पैसे के बिना रहने के डर से हम बहुत मेहनत करने लग जाते हैं, और उसके बाद जब हमें सैलरी मिलने लगती है तो हमें लालच और ज़्यादा पाने की इच्छा जाग जाती है, और चूहे बिल्ली के इसी खेल में हमारी ज़िंदगी का भी एक पैटर्न बन जाता है। ज़्यादा मेहनत करो, ज़्यादा पैसे कमाओ, ज़्यादा पैसे कमाओ, घर का खर्च चलाओ, पैसे ख़त्म, फिर ज़्यादा मेहनत करो, और ये जो विशेष सर्कल है ये चलता रहता है, और इसी सर्कल में हम गोल 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 घूमते रहते हैं। अगर हमारे पास ज़्यादा पैसे आ भी जाएं तो भी हमें इस विशेष सर्कल में घूमने की आदत पड़ जाती है। हमें डर और लालच पर काबू पाना सीखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम अमीर बन भी गए तो इन आदतों की वजह से हम हमेशा डर के साए में रहेंगे और अपनी जिंदगी को एंजॉय नहीं कर पाएंगे। पहले के जमाने में शिक्षा एक जरिया थी लोगों की पर्सनालिटी डेवलप करने का और आसपास के हर विषय में उन्हें जानकारी देने का, पर वक्त के साथ साथ पढ़ाई का लक्ष्य, उसका गोल बदल गया। पढ़ाई का मकसद रह गया बड़े होकर अपनी जीविका चलाना, ब्रेड एंड बटर कमाना, और इसमें कुछ गलत भी नहीं है। वक्त के साथ चीजें बदलना बहुत जरूरी है, क्योंकि जो चीज वक्त के साथ नहीं बदलती वो या तो हमारी खुशियां छीनती है या फिर समाज को बहुत ही पीछे ले जाती है। रॉबर्ट टी कियासाकी ने इस बहुत ही अहम मुद्दे को यहां पर उठाया है अपने बुक रिच डैड पुअर डैड में। क्या खूब कहा है कि बचपन से ही अगर हम बच्चे को मनी को एज अ सब्जेक्ट बच्चों को पढ़ाना शुरू करें, उन्हें यह समझाना शुरू करें कि उसे कैसे मैनेज किया जाए, तो बड़े होने पर बच्चों की बहुत सारी प्रॉब्लम्स अपने आप ही सॉल्व हो जाएंगी, बच्चा खुद उन्हें सॉल्व करने की क्षमता रखेगा। पर कहीं ना कहीं रॉबर्ट टी कियासाकी ने इस बात का पूरा ध्यान रखा है कि पैसे को रिश्तों के ऊपर ना रखा जाए, तभी तो उन्होंने इस विषय को रिश्तों के माध्यम से ही समझाने की कोशिश की है। रॉबर्ट टी कियासाकी के पहले जो डैडी थे वो हमेशा ये कहते थे कि मैं इसे कैसे खरीद सकता हूं, वहीं जो उसके दूसरे डैडी थे वो कहते थे मैं इसे क्यों नहीं खरीद सकता हूं। दोनों की सोच में अंतर था, दोनों के शब्दों में अंतर था, यानी कि जिसे हम जिंदगी में पाना चाहते हैं, जिसे संभालना चाहते हैं, जैसे कि पैसा, तो उसके बारे में अगर बचपन से जाना जाए तो क्या यह सही नहीं होगा? आज जिस तरह से पढ़ाई की जाती है, बच्चा ग्रेजुएट होकर सोचता है कि अब मैं कौन सी नौकरी करूंगा, क्या यह सही नहीं है कि थोड़ा और पहले से बच्चे को इस विषय के बारे में और अच्छे से और डीपली पढ़ाया जाए, समझाया जाए? यह तो वही बात हो गई, जाना था जापान, पहुंच गए चीन, यानी कमाना था पैसे, पर जब तक इसकी समझ आई तब तक बहुत देर हो चुकी थी। यानी कि हमें सबसे पहले यह समझने की जरूरत है कि हम खुद एक्सेप्ट करें कि हम इसे कैसे पा सकते हैं, इसे कैसे संभाल सकते हैं, और वही सही शिक्षा हम अपने आने वाली पीढ़ी को भी दे सकते हैं। यह कितना सच है ना कि अगर हमें किसी मंजिल की ओर बढ़ना है तो हमें उसी दिशा की ओर रास्ता तय करना पड़ेगा, सफर करना पड़ेगा, मुश्किलों से जूझना पड़ेगा, और तब कहीं जाकर उस मंजिल को हम पा सकते हैं। धन संबंधी जो शिक्षा है उसके बारे में भी कुछ ऐसा ही है। धन कमाना एक अलग बात है, पर उस धन को सही ढंग से संभालना एक अलग कला है। पैसा एक तरह की ताकत है, पर इससे भी बड़ी ताकत है उसे संभाल कर रखने की समझ। पैसा तो आता और जाता रहता है, पर अगर आप ये जानते हैं कि पैसा किस तरह से काम करता है तो आप ज्यादा ताकतवर हो जाते हैं।
और आप दौलत कमाना शुरू भी कर देते हैं। देखिए, केवल सकारात्मक सोच से ही समस्या हल नहीं होती है। हाँ, ये जरूर है कि सकारात्मक सोच आपको उस दिशा की ओर बढ़ने की हिम्मत देती है। देखिए ना, ज्यादातर लोग स्कूल में पढ़ते हैं और वहां पर वो कभी ये नहीं सीख पाते कि पैसा काम किस तरह से करता है, इसलिए वो पैसे के लिए काम करने में अपनी पूरी जिंदगी बर्बाद कर देते हैं। रॉबर्ट टी कियोसाकी कहते हैं कि उनकी ये पैसे से जुड़ी हुई शिक्षा, वित्तीय शिक्षा, जब वो केवल 9 साल के थे तभी शुरू हो गई थी। पर सबसे जरूरी बात यह थी कि उन्होंने जो पहला कदम उठाया था, ये निर्णय लिया था कि उन्हें किसकी बात सुननी है, अपने पुअर डैड की जो कि बहुत ही पढ़े लिखे हैं पर पैसे को अहमियत नहीं देते, या फिर रिच डैड की बात जो कि उन्हें उतना ही प्यार करते थे जितना कि उनके पुअर डैड। पर उन्होंने पैसे को कभी छोटा नहीं समझा, और क्योंकि रॉबर्ट टी कियोसाकी सिर्फ 9 साल के थे तो उनके रिच डैड ने बहुत ही आसान शब्दों में उन्हें वो लेसन्स पढ़ाए, पैसों के बारे में वो लेसन्स सिखाए। जी हाँ, हम किससे सीख रहे हैं, किसकी बात मान रहे हैं और किसे अपना मार्गदर्शक चुन रहे हैं, ये बहुत जरूरी है। क्योंकि जो हमें गाइड कर रहा है अगर उसका नजरिया ही अलग है तो वो आपको सही मंजिल की ओर नहीं पहुंचा पाएगा। रॉबर्ट टी कियोसाकी के दोनों ही डैड, रिच डैड और पुअर डैड, उन्हें उतना ही प्यार करते थे, पर सिर्फ नजरिए की वजह से रॉबर्ट टी कियोसाकी ने अपने रिच डैड की बात सुनना प्रेफर किया। रॉबर्ट टी कियोसाकी कहते हैं कि जब तक उनके रिच डैड रहे, उन्होंने पूरे लाइफ में सिर्फ 6 ही लेसन उन्हें सिखाए, और ये 6 लेसन उन्होंने अपनी बुक रिच डैड पुअर डैड में लिखे हैं, जो कि एक बच्चा भी समझ सकता है। सबक नंबर 1, अमीर लोग पैसे के लिए काम नहीं करते। सबक नंबर 2, पैसे की समझ क्यों सिखाई जानी चाहिए। सबक नंबर 3, अपने काम पर ध्यान दो और अपने काम से काम रखो। सबक नंबर 4, टैक्स क्या है उसे समझो और कॉरपोरेशंस की ताकत। सबक नंबर 5, अमीर लोग पैसे को जन्म देते हैं। सबक नंबर 6, पैसे कमाने के लिए काम ना करें, सीखने के लिए काम करें। अमीर लोग पैसे के लिए काम नहीं करते। रॉबर्ट टी कियोसाकी एक कहानी का जिक्र करते हैं। कहते हैं कि जब वो छोटे थे तो उन्होंने अपने डैडी से पूछा कि डैडी, क्या आप बता सकते हैं कि अमीर कैसे बना जाए। ये सुनकर उनके पुअर डैडी, जो कि एक स्कूल में पढ़ाते थे, उन्होंने कहा कि बेटे, तुम अमीर क्यों बनना चाहते हो। इस पर कियोसाकी कहते हैं कि कुछ बच्चों ने और उनके पेरेंट्स ने उन्हें गरीब कहा। ये सुनकर उनके पुअर डैड सोच में पड़ जाते हैं और फिर उसके बाद उनसे कहते हैं, देखो, अगर तुम अमीर बनना चाहते हो तो तुम्हें पैसे बनाना सीखना चाहिए। इस पर कियोसाकी ने अपने डैड से पूछा, मैं पैसे बनाना किस तरह से सीख सकता हूँ। तो डैड ने जवाब दिया, अपने दिमाग से। और उसके बाद वो अपना चश्मा पहनकर अपना अखबार पढ़ने लग गए, जिसका मतलब ये था कि अब इससे ज्यादा मुझसे और कोई सवाल मत पूछना, क्योंकि मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता। इस बात को कियोसाकी पूरी रात सोचते रहे और अगली सुबह अपने सबसे अच्छे और करीबी दोस्त माइक को अपनी ये बात बताई। उन्होंने माइक से पूछा कि क्या वो ये पैसे बनाने वाले काम में उनके बिजनेस पार्टनर बनेंगे। माइक ने उनसे पूछा, ठीक है, मैं तुम्हारे साथ हूं, पर तुम पैसा कैसे कमाओगे और हमें क्या करना चाहिए। इस पर कियोसाकी ने ठीक वही जवाब जो उनके पिता ने उन्हें दिया था, उनके डैड ने उन्हें दिया था, बता दिया कि भाई, मुझे नहीं पता, लेकिन फिर भी क्या तुम इस काम में मेरे पार्टनर बनना चाहते हो। और फिर दोनों दोस्तों ने एक दूसरे का साथ दिया, बिजनेस पार्टनरशिप पक्की हो गई। कुछ दिन बीते, दिमाग दौड़ाया गया और आखिरकार उनका स्कूल जाना सफल रहा। स्कूल की क्लास में उन्होंने कुछ ऐसा पढ़ा था जिसे सोचकर कियोसाकी को लगा कि बस पैसा बनाने का फॉर्मूला तो मिल गया, और बस उसी आइडिया को फॉलो करते करते कियोसाकी और माइक ने ढेर सारा कच्चा माल इकट्ठा कर लिया, बहुत मेहनत की, और अपने डैड की गैराज में उन्होंने कुछ सिक्के बनाए। और जब उनके डैड ने उन्हें देखा तो उन्होंने पूछा कि तुम क्या कर रहे हो। तब कियोसाकी का जवाब था, जैसा आपने कहा था, पैसे बना रहा हूं। तब उनके जो पुअर डैड थे, उन्होंने कियोसाकी को कहा कि आओ, मुझे तुमसे बात करनी है। कियोसाकी और माइक वहां सीढ़ियों पर बैठ गए, साथ में कियोसाकी के डैड और माइक के डैड जो कि रिच थे, वो भी बैठ गए। यहां पे मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस पूरी कहानी में जो कियोसाकी ने अपने रिच डैड को रेफर किया है, वो दरअसल माइक के पिता थे। और फिर बच्चों की